नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों अभी क्या है कि आप सभी लोग का कमेंट बहुत लोगों का आ रहा है कि सर मेंस का तैयारी करना है मेंस का बुक बता दीजिए किस तरीके से मेंस को लेकर के चलें क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका मेंस का जो आपका स्कोर है वही आपको मेरिट मिलाएगा पीटी तो सर बाद जितने जितना लोगों ने पीटी क्वालीफाई क्वालिफाई करेगा अभी क्या है कि मेंस में जाने के लिए वो तो सिर्फ क्वालिफाई ही करेंगे लेकिन जो मेंस का तैयारी होगा मेंस का कौन कौन से बुक को पढ़ेंगे वही आपको मेरिट में तो मेंस बहुत ज़्यादा भूमिका आपका निभाएगा बिहार दरोगा वर्दी लेने के लिए तो मेन्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है आप लोग बहुत लोग पूछेंगे कि मेरा कितना नंबर आएगा तब मैं मेंस का तैयारी करूंगा तो आप सभी लोग याद रखिएगा अगर आपका 100 में से 55 से 55 त... से 60 प्रश्न आपका सही हो रहा है तो आप सभी लोग अभी से मेंस में लग जाइए क्योंकि मेंस में लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा ठीक है और मेन्स का तैयारी भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना है क्योंकि अगर आपका अच्छा खासा मान के चलिए अगर आपने ले देकर किधर किधर से करके आपने मेन्स क्वालिफाई कर लिया और आपको लास्ट में मेरिट में जब छाटेगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इसलिए हमें मेंस तैयारी है और बेहतर तरीके से करना होगा क्योंकि लास्ट में बहुत लोग क्या होते हैं कि मेंस में छड़ जाते हैं जो आपका लास्ट में जो मेरिट बनता है फाइनल मेरिट फिजिकल होने के बाद एक मेरिट बनता है वहां पर बहुत लोग छड़ते हैं तो मेंस को हमको अच्छे स्कोर के साथ लेकर चलना है ताकि हम फाइनल वर्दी लेकर चलें ना कि हम आ, मेरिट में छूट जाएं तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखिएगा मेंस में क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे याद रखिएगा सौ क्वेश्चन आता है और दो सौ क्वेश्चन का होता है ठीक है दो सौ क्वेश्चन का होता है कौन कौन सा बुक पढ़ेंगे हम सभी डिटेल बताएंगे देखिए पूरा वीडियो को देखिएगा मेरे भाई पूरा वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग को पूरा डिटेल मिलेगा अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ही दिक्कत होगा और आधा अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक होता है तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले हम याद रखेंगे कि मेरा टारगेट देखिए आप सभी लोग का भी पीटी में अच्छा खासा टारगेट रहा होगा बहुत लोग का यहां पे अस्सी टारगेट रहा होगा तभी वो साठ प्लस कर पाएंगे ठीक है देखिए आपका अगर ज्यादा टारगेट रहेगा तो आप उससे आसपास स्कोर करेंगे अगर आपका पचास ही टारगेट रहेगा तो कितना पड़ेंगे टारगेट कम होता है वो कम पढ़ता है तो आपको टारगेट अच्छा खासा लेके चलना है ज्यादा टारगेट लेके चलना है तभी आप यहां पे स्कोर ज्यादा कर पाएंगे तो टारगेट हमको कितना लेके चलना है अस्सी का लेके चलना है अब बहुत लोग बोलेंगे कि हम टारगेट लेके क्या करेंगे जब आयोग भी एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं देगा हमको एग्जाम से आयोग से कोई मतलब नहीं है हमारा टारगेट अच्छा होना चाहिए और हमको अच्छे बुक से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे सभी को दिमाग में आएगा कि हम कौन सा किताब पढ़ें ताकि हमारा मेंस क्लियर हो पाए उसके बाद आप सब लोग याद रखिएगा कि मेंस में आप सब लोग का इतिहास पूछेगा भूगोल पूछेगा संविधान पूछेगा विज्ञान पूछेगा करंट अफेयर अब देखिए करंट अफेयर आपका सिलेबस में नहीं दिया गया है लेकिन अगर आप देखेंगे पिछला जो आपका इन्फोर्समेंट ईएसआई मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर सिलेबस में नहीं था लेकिन उसमें क्या है कि दस से जो दस से पंद्रह प्रश्न है आपका करंट अफेयर से प्रश्न आ गया था तो उससे बहुत बच्चा लोग जो क्या है कि परेशान हो गए थे कि यार इसमें तो क्या है कि आपका सिलेबस में प्रश्न दिया ही नहीं है आपका तो कहाँ से आ गया लेकिन नहीं आपको आयोग को ये भी जानना है कि आपको करंट अफेयर जानकारी है कि नहीं तो करंट अफेयर भी पढ़ना है उसके बाद गणित विज्ञान मतलब गणित और रीजनिंग ये आपका दिखाए तो 20 प्रश्न आपका गणित और रीजनिंग से ही आएगा 100 में से याद रखिएगा 100 में से जो आपका प्रश्न आ जाता है गणित यानी मैथ और रीजनिंग का 20 प्रश्न आपका यही आ जाएगा इसको यही आपका जो है मेरिट में लाएगा याद रखिएगा इसको बहुत लोग सही करेंगे बहुत लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो अपने आप को मैथ रीजनिंग का वीर समझते हैं वो क्या है कि बीस में से बीस ही बना देंगे तो आपको उनको अच्छे से आपको बीस मतलब बहुत लोग का वीक भी होता है तो अट्ठारह ज़्यादा ज़्यादा सत्रह इतना आपको करना ही पड़ेगा ठीक है उसके बाद तो इन्वायरमेंट को भी ले चलना है अब देखिए सबसे पहले बात ये होता है कि हम कौन सा बुक को पढ़ें क्योंकि बुक ज़्यादा मायने रखता है हम ज़्यादा बुक को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुछ सेलेक्टेड बुक पढ़ेंगे ताकि हमारा मेन्स का जो एग्ज़ाम है मेन्थ्स का स्कोर है अच्छा खासा हो जाए तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखिएगा कि सभी के पास अभी क्या है कि तीन जो सब्जेक्ट होता है एक आपका इतिहास है भूगोल है और संविधान है ये बहुतों का यहाँ पे ये इतना तगड़ा होगा कि मान के चलिए कि इसमें से अगर 20 बीस, बीस भी क्वेश्चन आएगा तो वो कर ले जाएगा ठीक है तो इसको क्या है कि शुरुआत में अभी आपका बिहार दरोगा का पीटी का रिजल्ट आया नहीं है रिजल्ट से पहले आपको दो बुक को फाइनल लेके चलना है साथ में फिलहाल में अभी लेके चलना है जो कि सभी के पास लुसेंट होगा और क्राउन का होगा मैं आपको इमेज वहां वहां पे दिखा रहा हूं आप पे इमेज देख पा रहे होंगे लूसेंट और क्राउन देखिए लूसेंट सभी के पास होगा बहुत लोग के पास क्राउन भी होगा तो दोनों को लेके चलना है ये जो तीनों सब्जेक्ट है इतिहास भूगोल संविधान इसको इतना रगड़ के पढ़ना है कि हमारा देखिए बिहार दरोगा में कोई चीज़ छोड़ना नहीं है मेरे भाई याद रखिएगा कि बिहार दरोगा पीटी का जब आप एग्जाम दे रहे थे तो उसमें क्या है कि जब तैयारी करते समय कुछ लग रहा हो कि हाँ ये पॉइंट हम छोड़ दें इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस में आपको सभी को लेके चलना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि मेंस में डिटेल पूछता है तो डिटेल कब याद रहेगा जब आप डिटेल पढ़ेंगे तब तो अभी देखिए आपको इतिहास भूगोल संविधान आपको शुरुआती में आपको दो बुक को लेकर चलना है या तो आप लूसेंट लेकर चलिएगा या तो आप क्राउन अब क्राउन के साथ साथ लूसेंट के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी लेके चलना है ताकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होता चलेगा ठीक है अब इसको करने के बाद अभी क्या है कि आप सब लोग याद रखिएगा कि बिहार दरोगा मेंस में हम बात करें तो यहाँ पे आप सब लोग याद रखिएगा मेन्स में आपका यहाँ पे दो पार्ट में एग्जाम होता है जैसे कि आपको अगर फर्स्ट एग्जाम देखिए मेन्स में आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो आपको एक ही दिन में दो एग्जाम लिया जाएगा जो कि आप सब लोग याद रखिएगा इसमें आपका फर्स्ट एग्जाम जो होगा आपका जीके जीएस का हो जाएगा और जो आपका शाम में एग्जाम होगा जो कि मान के चलिए एक से या फिर दो घंटा आपको यहाँ पे गैप मिलेगा उसमें आपका सामान्य हिंदी का होगा ठीक है अभी हिंदी में आप सब लोग बोलेगी कि हिंदी भी आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इसमें आपका नंबर मेन्स में नहीं जोड़ा जाएगा अगर आप इसमें आपका तैंतीस आप नहीं लाते हैं सौ में से तो आप फेल हो जाएंगे अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपका में अगर सत्तर प्लस भी क्वेश्चन सही है तो आप यहां पर भी फेल हो जाएंगे ठीक है तो आपको मेंस आ, मेंस में हिंदी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा चाहे आप सौ में से चालीस परसेंट लाइए चाहे पैंतालीस परसेंट लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अब बस आपको पढ़ना है अच्छा से कौन सा तो मेंस में जीके जीएस पढ़ना है अब देखिए अब मैंने आपको लोजन बता दिया क्राउन बता दिया लेकिन इनके अलावा भी आपको बेस्ट बुक को पढ़ना है जैसे कि आप सब लोग को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा घटना चक्र घटना चक्र में देखा है तो आपका सब्जेक्ट वाइज सभी आपको बुक देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा इसमें आपका देखा है तो आपका यहाँ पर इतिहास हो गया इतिहास हो गया जो कि घटना चक्र का आता है भूगोल भी आता है भूगोल को आपको ले लेना है ठीक है भूगोल के बाद आपको यहाँ पे संविधान लेना है संविधान के बाद आपको यहाँ पे एक भूगोल इतिहास संविधान एक आपका इन्वायरमेंट आता है ठीक है इन्वायरमेंट भी ले चलना क्योंकि इन्वायरमेंट से आपका बिहार दरोगा मेंस में आपका प्रश्न आता है ठीक है तो आपको ये चार बुक को लेना है मतलब चार बुक जैसे इतिहास हो गया भूगोल हो गया संविधान हो गया इन्वायरमेंट हो गया इसको लेकर के पढ़ना है लूसेंट तो मैंने ही बता ही दिया लेकिन सबसे तगड़ा अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे दृष्टि होता है दृष्टि को भी आपको पढ़ना है क्योंकि मेंस में जो आपका क्वेश्चन है वो आपका डिटेल से आता है अगर आप डिटेल पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सही कर पाएंगे अब देखिए डिटेल में आपको कुछ बुक को दिखा दे रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेकिन अभी क्या है कि आप सब लोग याद रखिएगा कि मैथ के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें आपको सिर्फ एक आर एस अग्रवाल का मैथ का बुक आता है उसको आपको ले लेना है और उसमें से जो आपको मान के चलिए कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा है मान के चलिए अभी फिलहाल में कुछ नहीं आ रहा है तो आप जैसे मान के चलिए एक होता है ट्रेन का क्वेश्चन हो गया उसके बाद लाभ हानि हो गया परसेंटेज हो गया उसके बाद एस आई सी आई हो गया बहुत सारे चैप्टर उसमें दिया होता है तो आपको करना क्या होता है कि यूट्यूब पर जाना है यूट्यूब पर आपको सर्च मारना है कि मैथ आर एस अग्रवाल कौन सा ट्रेन तो उसमें आपको आर एस अग्रवाल का बुक को कवर कराया होता है तो आप वहाँ से एक एक क्वेश्चन को सीख सकते हैं और दोबारा रिविज़न कर सकते हैं तो वहाँ से आपको मैथ का जो क्वेश्चन है वहां से सॉल्व हो जाएगा अब देखिए साइंस बहुत ज्यादा मुद्दा होता है बिहार दरोगा मेंस में देखिए अगर आपको बिहार दरोगा मेंस में अच्छा से क्वालिफाई करना है तो आपको तीन ही जो सब्जेक्ट होता है आपको अच्छा आ, जो स्कोर करना पड़ेगा एक आपका होता है कौन सा एक आपका मैथ होता है एक आपका रीजनिंग और जो तीसरा आपका है ये आपका साइंस है अगर आपका तीनों सब्जेक्ट बेहतर है तो आप आराम से मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे अब देखिए साइंस के लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है लूसेंट एक आता है साइंस का ग्रीन कलर का होता है जो कि आपको दिख पा रहा होगा उसका सिर्फ साइंस पढ़ना है उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल दे दिया है कि आप आराम से मैथ जो मेन्स है बिहार दरोगा का आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे मैथ्स uh, मतलब साइंस जो है आप लूसेंट से पढ़िए उसके बाद रीजनिंग आप अपने उस अनुसार कोई भी बुक ले सकते हैं वैसे आपका एक आता है क्या बोलते हैं अरिहंत का आता है अरिहंत भी लिख सकते हैं वैसे बहुत सारा बुक मार्केट में एक अरिहंत का है लुसेंट का भी एक रीजनिंग आता है उसके बाद देखा है तो सागिर अहमद का आता है बहुत सा आपका रीजनिंग है जो आपको रीजनिंग सभी होता है अगर आप बस सीख सकते हैं जिस तरीके से आप सीख लेते हैं तो आराम से आप रीजनिंग कर पाएंगे उसके बाद एक आपका इतना पढ़ने के बाद एक आपका सेट प्रैक्टिस होता है क्योंकि सेट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा पॉइंट जो है वीक है उसको मैं किस तरीके से सुधार करूंगा ताकि हमारा स्कोर जो है और बेहतर हो पाए बहुत लोग को बहुत लोग के पास भी होगा एक एन सी सार संग्रह आता है जो बर्नवाल की बुक आती है उसको अगर आपके पास है तो उसको भी ले लीजिएगा क्योंकि देखिए आपको बिहार दरोगा मेंस में अभी क्या है ना कि यही सिर्फ अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो बिहार दरोगा आप बन जाएंगे ठीक है इसमें आपको कम से कम याद रखिएगा कि आपको 10 से लेकर के 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा यहाँ पे देखा है तो आपका पैंतालीस हज़ार से लेकर के पैंतालीस हज़ार से लेकर के पचास हज़ार यहाँ पे बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई कराया जाएगा मेन्स के लिए तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा कंपटीशन बढ़ेगा क्या मतलब बहुत लोग इसमें पढ़ने वाले ही होते हैं और अगर हम पीटी की बात करें तो पीटी में क्या होता है कि बहुत लोग पढ़ने वाले नहीं होते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं कि चलो एक बार देख लेते हैं लेकिन पचास हज़ार जो यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट होंगे तो अगर आपको पचास हजार में से कितना पंद्रह हज़ार में फिर आना होगा ठीक है पंद्रह हज़ार में आएंगे तभी आप फिजिकल देंगे तो इस तरीके से आपका कैटेगरी बनाया गया कौन कितने आएगा मतलब इस तरीके से तो आपको यहाँ पे जो पचास में फाइट होगा ये सब पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आपको तैयारी अपना बेहतर करना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर सौ में से अस्सी स्कोर कर पाएंगे ठीक है तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा आपके पास लूसेंट होगा क्राउन होगा अगर आपके बहुतों के पास देखा तो घटना चक्र पड़ा होता है घटना चक्र में फायदा ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसमें आपको डिटेल के साथ मिल जाता है और क्वेश्चन का लेवल भी आपको अच्छा

और हाँ अभी देखिए जो मैंने आपको बताया था दस से लेकर के पंद्रह प्रश्न जो आएगा आपका यहाँ पे करंट अफेयर करंट अफेयर के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है करंट अफेयर के लिए एक होता है डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि ऊपर ही ऊपर आपका क्वेश्चन पूछेगा दस से पंद्रह प्रश्न तो आप एडिटोरिया का पढ़ सकते हैं जो आपका वार्षिकांग आता है पीछे का जो वन लाइनर होता है जो आपका मंथली होता है एक आपका स्पीडी का आता है तो स्पीडी को भी आप देख सकते हैं दोनों आपका बुक बेहतर है जो आप पढ़ने में आरामदायक आपको लगता है कि हाँ मुझे बहुत लोग का होता है कि स्पीडी पसंद है बहुत लोग को होता है एडिटोरिया पसंद है दोनों में से आप कोई भी बुक लेकर के पढ़ सकते हैं आराम से यहाँ से दस से पंद्रह प्रश्न आप कर पाएंगे तो इतना बुक आपको देखिए पढ़ना पड़ेगा अगर आप इतना बुक पढ़ लेते हैं तो आप बिहार दरोगा मेन्स में आपको कोई रोक नहीं पाएगा फिर हाँ आप सभी लोग अभी से लगेगा कि इस तरीके से अगर हमारा तैयारी है तो बिहार दरोगा पे अस्सी प्लस स्कोर तो ला ही देंगे तीन चीज़ आपको ध्यान देना है अभी से आपका मैथ और रीजनिंग और तीसरा जो है आपका साइंस का तो तीनों को आप बेहतर कीजिए बाकी आपका बेहतर तो होगा ही क्योंकि पीटी का तैयारी किए होंगे तो और बेहतर तरीके से किए ही होंगे इतना पढ़िए और भी आपका जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए मैं आपको वीडियो बना के पूरा चीज़ बताऊँ